जेल च बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नाल इंटरव्यू मामले च पंजाब दे कार्यकारी डीजीपी गौरव यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वड्डा खुलासा किया। डीजीपी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि बठिंडा ही नहीं सगो पंजाब दी किसी भी जेल च इंटरव्यू नहीं हुई। इस दे नाल ही डीजीपी ने कहा बठिंडा जेल विच एक हाई सिक्योरिटी जेल है जिस विच कोई फोन नहीं चलता, रात नूं भी लाइट बंद नहीं की जाती, उत्थे पंजाब पुलिस दे नाल नाल सीआरपीएफ दा भी पहरा हुंदा है। पंजाब दे कार्यकारी डीजीपी गौरव यादव ने कहा इंटरव्यू दौरान लॉरेंस बिश्नोई की दाढ़ी वधी हुई है जबकि पंजाब की जेल च बंद दौरान उसकी दाढ़ी कट्टी हुई है तो छोटी है। बिश्नोई ने सुप्रीम कोर्ट च मुकाबले का डर दर्शाउंदिआं पंजाब पुलिस को प्रोडक्शन वारंट देने का विरोध किया। इस दे नाल ही डीजीपी ने कहा गलत वीडियो दिखाने वालों खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ शक्तियां पंजाब को बदनाम करने की साजिश विच ने पर अजिहा होने नहीं दिता जाएगा, किसी को भी पंजाब की शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस तो अलावा डीजीपी यादव ने कहा राजस्थान पुलिस ने 8 मार्च को बिश्नोई को बठिंडा जेल च बंद करवाया सी, उस तो बाद ते उसते 14 मार्च तक के हूलिए वेख के लगता है इंटरव्यू पुराना है। इस इंटरव्यू में गोइंदवाल जेल की घटना का कोई जिक्र नहीं है। डीजीपी ने कहा सिद्धू मूसेवाले के कत्ल तो बाद लंबी कानूनी लड़ाई तो बाद बिश्नोई हिरासत च लिया सी क्योंकि लॉरेंस की हमेशा ही कोशिश रही है कि अपराध पंजाब विच होवे पर वो कदे पंजाब पुलिस की गिरफ्त में ना आवे। इंटरव्यू कितने हुई दे जवाब च डीजीपी ने कहा कानूनी नुक्ते सांझे नहीं किए जा सकते, पंजाब पुलिस हर समस्या नाल लड़न लई मजबूत है, पाकिस्तान का ISI चीफ पाकिस्तान की सेना का चीफ है। सो दस दिए कि उन्हां दा एक कहना है कि जो इंटरव्यू हुई है इस सूबे तो कितने बाहर हुई है, पंजाब दे विच नहीं हुई है, तो गलत वीडियो दिखाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।